फरार चल रहे 5000 की वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जालौन के रामपुरा पुलिस अधीक्षक इराज राजा के निर्देशन में रामपुरा थाना अध्यक्ष राजीव कुमार वैश्य पुलिस फोर्स SOG सर्विलांस टीम के द्वारा वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। क्षेत्र अधिकारी रविंद्र कुमार गौतम ने बताया कि वांछित अभियुक्त पर कई मुकदमे में करीब 3 वर्षों से फरार चल रहे 5000 रुपए की इनामी वारंटी अभियुक्त रोहित भदौरिया पुत्र वासाय भदौरिया निवासी ग्राम जायगा को ग्राम महुटा मोड़ से 1 अदद 12 बोर की अद्दी 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। आइए चलते हमारे संवाददाता संतोष सोनी की ओर। पुलिस ने 5000 के इनामियों को गिरफ्तार किया है, क्या सर पूरा मामला और क्या जानकारी? आज दिनांक 29/1/23 को मुकदमा अपराध संख्या 238/19 धारा 354 क और 7/8 पास को एक से वांछित चल रहे अभियुक्त, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा वारंट और 82 की कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया था, उसके बावजूद ये भगा हुआ था, वांछित चल रहा था, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने 5000 रुपये का इनाम घोषित किया, जिसको रामपुरा थानाध्यक्ष तथा सर्वेलांस टीम और स्वाट टीम मिलकर संयुक्त अभियान के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आज इन्हें न्यायालय रवाना किया जा रहा है। जी सर, इसके खिलाफ कोई आपराधिक मामले और भी हैं या फिर सर एक ही मामला था इसके ऊपर? इनके खिलाफ एक ही मामला ये प्रकाश में आया था और इसमें वांछित चल रहे थे, ये हाजिर नहीं हो रहे थे, ये वर्ष 2019 से वांछित चल रहे थे। सर, इसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? ये थाना रामपुरा अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। ठीक है।